2024 लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग जारी है। इस फेज में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल समेत 9 केंद्रीय मंत्री मैदान में हैं। रायबरेली से वायनाड सांसद राहुल गांधी भी चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा ने 32, शिवसेना ने 7, टीएमसी ने 4 सीटें जीती थी। वही कांग्रेस केवल यूपी की रायबरेली सीट ही जीत पाई थी, अन्य को 5 सीटें मिली थी। आज मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अभिनेता अक्षय कुमार, राजकुमार राव, जानवी कपूर, सानिया मल्होत्रा, फरहान अख्तर के अलावा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और अनिल अंबानी ने भी वोटिंग की। इसके अलावा बीएसपी सुप्रीमो मायावती, सतीश चंद्र मिश्रा ने लखनऊ में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली में वोट डाला। आपको बता दें कि 543 लोकसभा सीटों में चौथे फेज तक 380 सीटों पर मतदान हो गया है। आज की सीटों को मिलाकर कुल 429 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा और बाकी 2 चरणों में 114 सीटों पर वोटिंग होगी।